नमस्कार, मैं हस्ता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां नगर निगम की सरकारी कार से टकराकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इधर घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। दरअसल ग्वालियर के माधोगंज थाना क्षेत्र के लक्कड़खाना पुल के पास बाइक पर सवार होकर जा रहे युवक दीपक सोनवार बाइक चला रहे थे, तभी रोड पर खड़ी कार ने कार को साइड में किया। तभी दीपक की बाइक उससे टकरा गई, जिससे वह सिर के बल सड़क पर गिर गया। सिर में चोट आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और परिवार के लोग हॉस्पिटल पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने लक्कड़खाना के पास चक्का जाम कर दिया। परिवार के लोग ने कार चालक पर कार्रवाई और आर्थिक सहायता की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना माधवगढ़ अंदर लक्कड़खाना पुल है, उस पर एक कल सुबह घटना की सूचना मिली थी, जिसमें से एक व्यक्ति घायल हुआ था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई शाम को, परिवारजनों द्वारा बताया गया था। बाद में सीसीटीवी फुटेज और कुछ और एविडेंस भी सामने आए और उनके घर वालों के भी स्टेटमेंट नोट किए गए, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। उसमें कोई नगर निगम की गाड़ी थी जिसके द्वारा एक एक्सीडेंट किया गया था। इस पर से हमने अभी गैरजातन हत्या की धाराओं में जो एक्सीडेंट में मृत्यु की धारा है, डीएनएस के अंतर्गत हमने मामला पंजीबद्ध किया है 106 के अंतर्गत और उसको विवेचना मिली है। ये अपने साथ की है नगर निगम का कोई वाहन अभी कैमरे में प्रतीत हो रहा है। अभी उसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है। जाँच के दौरान जो भी स्थिति होगी, जो भी वाहन होगा, उसको क्लियर किया जाएगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।